नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत नगर निगम द्वारा 45 वार्ड में वार्ड प्रभारियों के साथ पूरी टीम को वार्ड के साथ साथ निगम ने भी बकाया करदाताओं के दर कर संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आयुक्त विशाल सिंह चौहान के निर्देश अनुसार नगर निगम में काउंटर लगाए गए हैं। आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने बताया, बकाया करदाताओं के भूमि भवन से संबंधित जो भी समस्या है उसका त्वरित निराकरण किया जाकर छूट के साथ कर जमा कराया जाएगा। संपत्ति कर अधिकारी प्रदीप शास्त्री ने बताया कि बकाया करदाताओं की सुविधा एवं समस्याओं के निराकरण का पूरा ध्यान रखा जाकर सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही ये भी बताया कि जवाहर नगर के सामने माननीय न्यायालय भवन में भी संपत्ति कर जलकर के काउंटर लगाए गए हैं तथा निगम के जोन एक माताजी पेड़ी के सामने भगवती द्वारा सराय तथा जोन टू इटावा बस स्टैंड में भी करों का भुगतान किए जाने की सुविधा उपलब्ध है। सभी बकायादार करदाताओं से अपील की है कि वो अपने बकाया करों को जमा किए जाने हेतु जो भी समस्या है उसका निराकरण नगर निगम आकर त्वरित करवाएं और छूट का लाभ लें। आज नेशनल लोक अदालत जिसमें नगर निगम द्वारा 3500 के करीब बिल जारी किए गए थे और आज सुबह से ही काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे भोक्ता आ रहे हैं। उसका सरचार्ज से बकाया करदाताओं को सरचार्ज से छूट दी गई है, इसका लाभ करदाता ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। हमारे द्वारा पूरे नगर में 3500 के करीब बिल जारी किए गए थे, संपत्ति कर जलकर और अन्य औद्योगिक क्षेत्र के 170 बिल जारी किए गए थे, तो उनके तो चेक ही आएंगे। आगे अभी कोई छूट का प्रावधान नहीं है, आज ही उपभोक्ता आएँ और उसका अपना लाभ लें। शाम तक यहाँ पर सब काउंटर चालू रहेंगे, उनका जो भी निराकरण होगा हाथों कर दिया जाएगा। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।